हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी काफ़ी ज़्यादा ठंडी का मौसम है और अभी मॉर्निंग का बज रहा है 8, मतलब 8 बज चुका है। तो मैं छत में आ गई हूँ थोड़ी देर बैठने के लिए। अभी थोड़ा सा धूप निकल चुका है इसलिए तो मैं टोपी भी पहनी हुई हूँ, स्वेटर भी पहनी हुई, मोजा भी पहन ली हूँ, सारा कुछ पहन के रखी हुई हूँ। तो भी ठंडी लग रही थी इसलिए मैं छत में आ गई हूँ धूप तापने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं आज बनाने वाली हूँ मैगी पकौड़ा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ख़ासकर ये ठंडी के टाइम में बहुत ज़्यादा मतलब खाने का इच्छा होता है। ठंडी का टाइम में गर्मा गर्म खाने में चटनी के साथ या तो सॉस के साथ खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं आज बनाने वाली हूँ मैगी पकौड़ा और आप लोगों के साथ भी शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग मेरा वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो अभी मैं रूम चलती हूँ, फिर बनाना शुरू करती हूँ। तो आप लोग ब्लॉग में बने हुए रहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं चूल्हा को यहाँ पे जला लेती हूँ। और जलाने के बाद है कि मैं कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल के इसे गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। और इसके साथ मैं यहाँ पे दो मैगी यूज कर रही हूँ जो 5 रुपये वाले हैं। तो मैं दोनों को इस तरीके से तोड़ के डाल लूँगी ताकि जो मेरा मैगी है जो कि जल्दी बनेंगे। और इसमें मैं ज़्यादा मतलब पानी यूज नहीं कर रही हूँ। और इसके साथ मैंने इसमें मैगी मसाला यूज कर रही हूँ और इसे हल्के से मिक्स कर लूँगी और आँच जो है कि थोड़ा सा तेज़ कर दूँगी। तो देखिए, मेरा मैगी कुछ ही टाइम में बॉईल होना शुरू हो गए हैं और ये बन के भी रेडी हो गए हैं। इनका जो पानी मतलब पानी जो इसमें मैं डाली हुई थी वो ख़त्म हो चुका है। तो मैं अभी गैस को बंद कर लेती हूँ। और इसके अलावा मैं यहाँ पे बारीकी कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च और धनिया पत्ता, और इसके अलावा मैं यहाँ पे जो जो मुझे मसाला यूज करना है वो मैं सबसे पहले निकाल ली हूँ ताकि मुझे बाद में खोजना ना पड़े। तो मेरा मैगी ठंडी हो चुका है। तो मैं इसमें प्याज, धनिया पत्ता और हरी मिर्च को डाल लूँगी। तो ऐसा करके मैं मतलब सारे जो कटिंग किए थे मैंने डाल लिए हैं। और इसमें स्वादानुसार नमक डालूंगी क्योंकि मैं इसमें कम ही नमक यूज कर रही हूँ, क्योंकि इसमें पहले से थोड़ा सा नमक होता है मैगी में, इस वजह से। फिर मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता, लाल मतलब धनिया का जो पाउडर होता है वो, फिर MDH मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और मैं थोड़ी सी हल्दी भी यूज कर रही है। और इसके अलावा मैं यहाँ पे आधी कटोरी बेसन यूज कर रही हूँ ताकि जो मेरा ये है मैगी है वो चटपटा बने, उसका जो हमें गूंथ बनाना है वो अच्छे से बने। फिर मैं इसको इस तरीके से मतलब मिक्स कर लूँगी। अच्छे से मिक्स नहीं हो पाया है इसीलिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे मिक्स करूँगी ताकि इसका जो ये बनेगा घोल जो बनेगा मतलब जो आटा गूंथने टाइप से बनेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर मैं यहाँ पे कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। और जैसे कढ़ाई गर्म हो जाती है मैं इसमें रिफाइन तेल डाल लूँगी और इसे भी गर्म कर लूँगी। और उसके बाद में है कि मैं इस तरीके से छोटा छोटा गोला बना लूँगी, पूरा इसमें पूरा गोल नहीं करूँगी। तो मैं देख रही हूँ कि मेरा जो तेल है वो गर्म हो चुका है तो मैं इसमें इस साइज का बना बना के तेल में डालते डालूँगी ताकि जो मतलब मेरा मैगी का जो क्या बोले पकौड़ा है वो अच्छे बने। गोला करके मैंने इसलिए डाल रहा है ताकि वो फैले ना, लेकिन ऐसे भी नहीं फैलेगा, लेकिन मुझे गोला ही आकार बनाना है इस वजह से। फिर कुछ टाइम में मैं इसे मतलब पलट लूँगी, एक तरफ ये पक चुका है इस वजह से। और इसे मैं लो आँच में बनाऊँगी ताकि ये जो अंदर के जो इसमें जो है वो भी अच्छे से बनेंगे। और कुछ ही मिनट में मेरा मैगी के पकोड़े बन के रेडी हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे इसे छुलनी की सहायता से निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा अच्छा बने हैं, क्रिस्पी बने हुए हैं, बहुत ही इसका अच्छा सुगंध भी आ रहा है। तो फिर मैं इसी तरीके सारे मैगी को मतलब मैगी के पकोड़े जो मैंने आटे गूंथे हैं उसे सबको एक एक करके छान लूँगी। और जितने भी मैगी मतलब पकोड़े बनूँगी सबको ख़त्म कर लूँगी बना के। तो इस तरीके से मेरा जो मैगी पकोड़े हैं वो दूसरा बार भी बन के रेडी हो चुका है। तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ। वाह, अभी तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इतना ज़्यादा अच्छा, ऐसा खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा। खासकर ऐसा जो
पकौड़ा होता है वो ठंडी के मौसम में या तो बरसात के मौसम में खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वाह, इतना लाजवाब, इतना क्रिस्पी, देखने में ही दिल खुश हो गया। और मैं अभी आप लोगों को खा के बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा मैगी पकोड़ा का रेसिपी कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं ये मतलब है कि कभी नहीं खाई हुई थी, फर्स्ट बार बनाई हूँ। और फर्स्ट बार बनाकर खाई तो भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आप भी अपने घर में इस तरीके से बना खा सकते हैं, बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो, मेरा रेसिपी पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए हम आज का वीडियो एंड करते हैं, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। आप लोग अपना ख्याल रखना, अच्छे से रहना। बाय।